तो आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज तो हम लोग के बीच में जॉली मुखर्जी दादा आए हुए हैं। मुझे तो साइलेंट फिल्म की याद आ गई। सबसे पहले कोई बात नहीं होगा, सिर्फ फोटो चल रहा है, वीडियो चल रहा है। नहीं, हम तो चाह रहे थे कि आप कुछ बोलेंगे, आप लोगों को देखकर, आप लोगों का प्यार देखकर बड़ा अच्छा लगा। सारे थकान दूर हुए मेरे, सुबह से उठ के मैं मुंबई से आया तो इतना अच्छा लग रहा है। अभी जो भी युवा हैं संगीत के ओर, जिनका रुझान है, जो संगीत में जा रहे हैं, नए नए टैलेंट आ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? डायरेक्ट नए पे चले गए, मैं तो नया आ रहा हूँ धीरे धीरे। अब मेरी बात तो कुछ है, डायरेक्ट अब नए पे चले गए। क्यों, हम लोग युवा हैं तो उसी टाइम से बोल। मैं युवा था, है ना? युवा तो अच्छा ही कर रहे हैं ना, युवा की क्या बताएं। युवा लोग बड़े अच्छे कर रहे हैं, अच्छे अच्छे गाने गा रहे हैं और तरक्की करेंगे। उनको पता चल गया है, मीडिया बहुत स्ट्रांग है, वो कुछ भी गाए उसका नाम तो होगा ही, और वो लोग मेहनत करेंगे उसमें ज़्यादा नाम करेंगे, और मैं तो मेरी ब्लेसिंग्स है कि वो लोग और अच्छा करेंगे। लेकिन कुछ भी गा देना, आप लोगों ने जो मेहनत की, जो संघर्ष किया और जो मुकाम हासिल किया आपने, और अभी कुछ भी गा देना, शोहरत का कितना शॉर्टकट तरीका मानते हैं इसको? देखिए, मैं तो इसको ऐसा मानता हूँ कि हर दौर जैसा आता है, वो आपका दौर में भी कोई तो बात होगी ना। तो जिसको आप बोल रहे हैं कि अरे कुछ भी गा देना, तो वो कुछ भी को लोग पसंद करते हैं, इसलिए तो कुछ भी गा रहे हैं। अब मुझे बोले मैं धूम टू लास्ट पिक्चर में रहा, उसके बाद मैं बोला नहीं, मैं बड़ा खुश हूँ, मेरे पास मालिक ने जो दिया है वही रहे तो अच्छा है। अब कल मुझे बोले कि भाई तेरे कमर में बटरफ्लाई ऐसा गाना दे, तो मुझे नहीं गाना है, तो ये मेरी चॉइस है। अब उनकी चॉइस अगर सही है और लोग उसको पसंद कर रहे हैं कि नहीं, तो हम कैसे बोले उनको बुरा है, वो बताइए। तो क्या लगता है कि आपके ज़माने के जो श्रोता थे और अब के ज़माने के श्रोताओं में कुछ परिवर्तन हो गया है, फिर गायकों ने कुछ श्रोता तो हमेशा सबसे ऊपर श्रोता ही होता है। श्रोता है तो हम हैं, श्रोता है तो ये लोग हैं, मगर श्रोता को उनको एंटरटेनमेंट चाहिए ना। आप उनको जो देंगे वो श्रोता उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो उसमें श्रोता का कोई दोष नहीं है और ना कि यंग पीढ़ियों का दोष है। आज हो सकता है कि भाई कभी अगर शब्दों का ज़्यादा महत्व था, हाँ, जैसे समझिए रवि साहब के गाने सुनिए, जैसे कभी खुद पे कभी हालात पे रोना है। अब ऐसे राइटर तो शायद अभी वो बोलेंगे यार बड़ा पकाता है यार, क्या लिख रहा है फालतू का, उससे अच्छा छोटा मोटा लिखो तो अच्छा है। तो हर आदमी में, हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट तो हर जगह हुआ ना सर। घर में आके मार्केटिंग करते, सर आप क्या करेंगे, हम तो आपको डिस्काउंट में पिज़्ज़ा खिला रहे हैं, तो कौन आटा वाटा भरेगा, पिज़्ज़ा खा लेंगे ना हम लोग, तो ऐसे ही हो रहे हर चीज़। जॉली मुखर्जी जी, जिन्होंने आज तक जो अपने मुकाम हासिल किया है, जो शोहरत हासिल की है, और आज के ज़माने में जिस तरीके से जो चला आ रहा है, कहाँ दुख होता है आपको आज के संगीत को देखते हुए, आज की गायकी को देखते हुए? देखिए क्या है, दुख अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब होगा कि मैं उनके अगेंस्ट में, है ना, मैं उनकी वो जो कर रहे हैं उसको मैं तारीफ नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा दौर अलग था। मेरे गुरु लोग को मैंने शुरुआत की रफी साहब के अंदर में, जिसमें कोरस गया था किशोर दा, मत्ता दे दिया, आशा जी, मन्ना दा, ये सारे लोग हमारे सीनियर लोग हैं, तो हम इनको फॉलो कर रहे हैं। अब वो लोग भी किसी और को फॉलो कर रहे होंगे ना अभी, जो उनको सही लगता है।
इसमें मैं मुझे नहीं लगता मुझे कोई हक है बोलने के लिए ये गलत है और हम सही थे, मुझे ऐसा लगता है। पहले की जो फिल्में आती थी फिल्मों को गानों के चलते गानों की वजह से भी पहचान मिलती थी, बिल्कुल आज न गाने हैं न फिल्में हैं, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें फिल्म बनाने का तरीका अलग हो गया। वो पहले जैसा राजा रानी, फिर राजा की एक बेटी, रानी का एक बेटा, इस तरह का होता था। वो दोनों का प्यार होता था, फिर वो कोई विलेन आ जाता था, फिर मारपीट होता था, फिर उसके अंदर बगीचे में गाना, दुख में गाना, ये सब हर चीज़ हर माहौल में हमारे संस्कृति में जो हर जगह पे गाना है वो गाने पे हम लोग करते थे। अभी वो बात नहीं है, अभी सडनली वो बोलते हैं कि मिर्ज़ापुर मारपीट, मार डालो 50 आदमी को, मार डालो, उसमें कहाँ गाना देंगे आप, मरते मरते थोड़ी जाएगा कोई आदमी, है कि नहीं? तो हर चीज़ अलग हो गया है, तो सिर्फ गाने को मत पकड़िए, फिल्म बनाने का तरीका भी अलग हो गया है कि नहीं? तो फिल्मों की आत्मा मर रही है या फिर गानों की आत्मा मर रही है? नहीं नहीं नहीं, आत्मा क्यों बोल रहे आप, एक तरफे सोच रहे हैं इसके लिए। अभी के फिल्म तो चल रही है ना, अब बोलिए मेरे को हर आदमी छोटा से बड़ा बच्चा भी यूं करता है, पुष्पा मार डालेगा, ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं? तो क्या है पुष्पा में, कोई अच्छा तो होगा कि नहीं? हर आदमी बोलते बंगाली आदमी, मैं बंगाली, मेरे कलकत्ता के इसमें टेलीविजन में देखता हूँ, कुछ समझ में नहीं आता, होगा असम है और असम है वही चल रहे, तो कुछ तो अच्छा होगा कि नहीं? तो हम क्यों बोलेंगे उसका आत्मा है कि नहीं है? तो आज किस तरह की चुनौतियां आई हुई हैं फिल्म जगत में या फिर गाने के क्षेत्र में जो गायक हैं? जो गाने में तो जरूर आई है कि ये गाना गाना नहीं है, गाना कुछ और है, है ना? जैसे कि लिरिक जो हम लोग में मेन होते थे कि भाई शब्द, जैसे आज समझिए हम बोलते भाई ऐ मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो पानी, ये शब्द है, आज कुछ और है। तो उसमें वो चुनौती है ना कि आजकल इसलिए हमारे टाइप के राइटर घर में बैठे वो पजल हो गया कि कैसे लिखूं उसको, बोले भाई आपके गाने में तो दारू विस्की है ही नहीं, वैसे कैसे गाना होगा, है कि नहीं? तो वो एक अलग चुनौती है कि आप दारू विस्की लेके गाना हिट करा सकते कि नहीं? तो सब बोलते अच्छा ही है, इसकी भी पी रहे हैं और वो गा भी रहे हैं वो लोग, तो बुरा कौन है आदमी? जनता भी पी रही है और जनता भी गाना गा रही है, तो रॉन्ग मैं हूँ मेरे ख्याल से, है ना? तो आपको लगता है कि जो लेखक हैं, जो गाना के रचयिता हैं, उनके दिन बीत गए, संतोष आनंद जैसे लोगों के दिन अब बीत गए हैं? संतोष आनंद जी ऐसे सबका उम्र भी हो गया, अभी हम भी उम्र के नजदीक जा रहे हैं कि भाई ओ अच्छा अच्छा एक आदमी था उसका नाम ज्वाला मुखर्जी था, ऐसा भी हो सकता है, जल्दी होगा, बात वो नहीं है। बात क्या है कि जनता को क्या पसंद है, जनता को ये पसंद नहीं है, आप मेरे को बताइए अभी का जो चल रहा है माहौल, ये आपको क्या लगता है क्राउड को पसंद नहीं है? नहीं, लेकिन जो भीड़ पहले आती थी सिनेमा, नहीं नहीं नहीं, आप दो क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन का आंसर अभी, आप, मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ कि अभी का जो दौर है उसमें ये गाना लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे तो नहीं पता है कि आ आपको नहीं आ रहा है, मैं पूछ रहा हूँ मैं लोगों को आ रहा है, लोगों को आ रहा है, अगर लोगों को नहीं आ रहा है तो फिर ये लोग इतने बड़े बड़े गाने कैसे कर सकते हैं, इतने बड़े बड़े शो कैसे कर सकते हैं? बोले एक आदमी रैप ही करता है सर, वो क्या कर रहा है? बोलो मैं उधर गया था, उसके बाद में वो पैंट पहन के आया वहाँ पे, पता नहीं वो फटा हुआ जीन्स लेके आया, बोला ये भी ऐसे भी गाना है, तो ये लोगों को अच्छा लग रहा है ना, 50 लाख रुपए दे रहे हैं उसको एक शो करने के लिए। तो हम अगर ये जानना चाहें कि आज का जो गाना है या फिर जो गायक हैं उन पर क्या भारी पड़ रहा है? कुछ भारी नहीं पड़ रहा है, क्या मतलब मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया, मतलब क्या भारी पड़ रहा है कि उनकी जो लोकप्रियता रही है, आज जो गायक हैं बहुत लोकप्रिय नहीं हो पा रहे हैं, ज्वाला मुखर्जी नहीं बन पा रहे, किशोर कुमार नहीं बन पा रहे, पांच आदमी को छोड़ दीजिए, रफी साहब, किशोर दा, मन्ना दा, नहीं लता जी, आशा जी अलग है, मन्ना दा, मुकेश जी और हेमंत कुमार, ये पांच को छोड़ दीजिए, नहीं आ रहे फिर कोई, अब दूसरे वो कोई आएंगे भी नहीं, 10,000 साल के बाद भी नहीं आएंगे, हम लोग भी फ्लूक है, वो छोड़ दीजिए। मैं ये बता रहा हूँ कि संगीत जगत में जो भी सिंगर आ रहे हैं वो अपना नाम कमा रहा है, क्यों कर रहा है? कि थोड़ा पैसे बनाएगा, शोज करेंगे, लोकप्रियता आएगी, करेक्ट ना? तो वो तो उनको मिल रहा है ना, मतलब दिलों को छूने की बात नहीं है, पैसा बनाने की मशीन हो गई है ये तो। नहीं नहीं, आप मेरे शब्दों को मत खाइए, मैं जो बोल रहा हूँ मैं ऐसे बोल रहा हूँ आपको कि उनको एक गाना सीखता क्यों है बताइए ना, हर बच्चा उसकी माँ बाप बोलते कि रियलिटी शो में जाएगा, क्यों वो गुरुओं के पास क्यों नहीं जाता, उनको तालीम क्यों नहीं देता? बोला नहीं नहीं ये फटक से एकदम हिट हो जाएगा, टेलीविजन में आ गया, दो चार शोज मिलने लगे, बोला कहाँ पे है? बोला स्टार प्लस में आया था,
ये सारे गांवों में आया, तो माँ बाप बोल रहे ना पहचान वैसा तो नहीं सर, पहले तो आपको रियाज करना पड़ेगा, बोलो हटा यार कौन सा रियाज वियाज, तो ये तो माँ बाप भी बोल रहे हैं, तो कौन गलत है, हम हैं या पूरा सिस्टम गलत। सबको फास्ट चाहिए, इसको आपको मानना पड़ेगा, तो वो गलत बोल नहीं सकते आप, उनको सही लग रहा है इसलिए तो कर रहे हैं। मतलब फास्ट के जमाने की वजह से गाना अपने अपनी मौत को प्यारा हो रहा है इस तरह से नहीं है। आप तो हर चीज में अपने एंगल डाल रहे हैं, आप मुझसे जीत नहीं पाएंगे कभी नहीं पाएंगे। नहीं, मैं जो भी बोल रहा हूँ आप घूम घाम के आपके हिसाब से बोल रहे हैं, मैं ये बता रहा हूँ जो ये सब लोग मानेंगे कि सबको जो पसंद है वही कर रहे हैं, और मुझमें वो काबिलियत नहीं कि मैं बोलूँ कि अरे नहीं ये गलत है, मेरा वाला अच्छा था, ऐसा नहीं बोल सकता मैं। तो आज के जो गायक आ रहे हैं उनसे किन से आपको कितनी संभावनाएं दिखाई दे रही है, अगर जो नए नई पीढ़ी के जो गायक हैं, जो नई पौध हैं, नई पीढ़ी के गाने तो अच्छे अच्छे गाने, अरिजीत सिंह कितना अच्छा गाना गाता है, एकदम अच्छा गाता है कि नहीं, कि नहीं बोलिए। अच्छा ज्वाली जी एक बात बताइए, आपके जमाने में और अभी के जमाने में जो फर्क आया है उसको आप किस रूप में देखते हैं, अभी जो गाने आप सुन रहे हैं या हम सुन रहे हैं गाने, या आपके गाने का, मैं पहले क्वेश्चन इसका आंसर दे चुका हूँ कि गाने का बनाने का ढंग चेंज हो गया, क्योंकि फिल्म हम लोग फिल्म के हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से होता था, अभी ऐसा नहीं होता है। अभी गाना फिल्म में एक गाना चाहिए बोल के गाना रखते हैं, टाइटल में होना चाहिए या तो एंड में होना चाहिए, इसलिए गाना होता है। और हम लोग में सिचुएशन होता था कि भाई कोई शादी टूट गई तो गाना हो गया, शादी अच्छे से हो रहे तो बाबुल की दुआ से वो भी गाना होता था, तो वो अभी है नहीं, अभी फिल्म अलग हिसाब से मतलब गाना की जरूरत थी, अब अहमियत खत्म हो गई उसकी फिल्मों में। देखा सर कमाल है आदमी, क्या नाम सर आपका, अजय अस्मर, अरे कमाल है सर आप, है ना, हर बात को कैसे ट्विस्ट करते हैं। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, आपको लगा मैं एक भी बार बोला कि वो खत्म हो गई, आपने जो पूछा अहमियत खत्म हो गई मैंने, अजय भैया मेरी बात सुनिए, आप अभी जो बोले अच्छा इसका मतलब आपको ये लगता है कि फलाना खत्म हो गई, ऐसा मैंने बोला नहीं, नहीं मैंने कहा कि जिस तरह का जो गाने का सिचुएशन हुआ करता था पहले, अब चूंकि गाना देना है इसलिए देना है, नहीं 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 गाना जिससे सिचुएशन, क्योंकि फिल्म हमारे फिल्म गाने पे बेस्ड होता था, गाने का बेस्ड होता था, जैसे गाइड की बात कर रहा हूँ जिसमें डायलॉग नहीं था, एक ही फिल्म ऐसा है कि सैया बेईमान मुँह से छल किए जाए हाय रे हाय सैया बेईमान, और कट टू कट कोई भी डायलॉग नहीं है, कैसे क्या हो गया, रफी साहब का गाना आता है, तो दोनों सिचुएशन का डायलॉग के जगह पे दोनों दो गाना कर दिए, तभी का हिसाब अलग था, अभी ऐसा नहीं पिक्चर बन सकता, अभी के लोगों को वक्त नहीं है, अभी का अगर बोले कि भाई गाना एक 3 मिनट का गाना हो और 6 मिनट का गाना सुनो या 18 मिनट का कवाली सुनो, कोई भी अब थिएटर से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है, ये भी तो आप सोचिए ना, हर बच्चा जो काम करता है वो आईटी में काम करता है या कहीं भी काम करता है, फाइनेंस में करता है, 12-14-15 घंटा काम करता है, तो उसको कहाँ पे, वो फटक से बोले एक दिन आया हमारे कंपनी का फाइनल डे है, पार्टी वार्टी होगी, जल्दी कौन गा सकता है और नाच गाना कैसे हो सकता है, ऐसा लगता है कि पूरा हिंदुस्तान नींद से उठ के ब्रश करके नाचने लगता है, ऐसा लगता है मुझे। अगर मैं कोई रफी साहब का गाना बोलूँ सर फास्ट गाइए नाचे नहीं, बोलो मैं एक काम करता हूँ मैं स्लो गाता हूँ, आप नाचते नाचते आइए आपको लगेगा कि आप नाच रहे हो, ऐसा मैं बोलता हूँ। तो इसमें गलती किसकी है, किसी की नहीं, क्योंकि उनका भी वो भी समय निकाल रहे हैं, उनके पास उतना ही समय सुनने के लिए, तो हर चीज़ मिनिमाइज हो गया, MP3 अभी सुनते हैं आप बराबर, बोले बड़ा अच्छा रिकॉर्डिंग किया, इतना खर्चा करके करोड़ों रुपये पिक्चर में खर्चा किया, सुनते कहाँ पर इस पर है फोन, तो क्या साउंड मिलेगा, पैसे मिलेगा। आपको लगता है कि फिर दौर बदलेगा और फिर पुराने समय का जो दौर आएगा, मुझे लगता है कि मेरे ग्रैंडसन अगर होंगे तो वो शायद देखेंगे, मैं तो नहीं देखूंगा ऐसा लग रहा है, मतलब संभावना बन रही है जिस तरह जो क्लासिकल का दौर था, फिर उसके बाद आप लोगों ने जो गाना गाया, फिर आज के जो गीत है, तो इस तरह का दौर बदल रहा है, बदलेगा और फिर मेरा बोलने का मतलब ही नहीं बनता, मैं कौन हूँ बोलने वाला, ऐसा दौर लगने का सवाल ही नहीं, मैं जैसे लोगों को लगेगा, हर इसमें जो आम पब्लिक को जैसा लगेगा वैसे ही होगा। जैसे मैं आपको एक और सिंपल उदाहरण देता हूँ, जगजीत सिंह एक शो करते थे और फिर 8 महीने से 9 महीने उसी शहर में नहीं करते थे, तो आपको क्या लगता है गजल सुनने वाले चुपचाप बैठेंगे कि भाई 10 महीने बाद जगजीत सिंह आएगा तो सुनूंगा, नहीं, तो फिर पंकज उदास आ गए,
अनूप जलोटा आ गए, हरिहरन आ गए, भूपी जी आ गए, सब लोग आ गए। तो उसी तरह जो लोग हैं उनको जो एंटरटेनमेंट चाहिए वो अपने हिसाब से ढूंढ लेंगे। कड़ली बोलेंगे भाई ये तो एक काम करो, आज एक महीना लोक संगीत ही सुनेंगे हम, वो भी हो सकता है। तो अब हम चलते चलते आपसे एक जानना चाहेंगे, कुछ हमारे दर्शकों के लिए जो आपका पसंदीदा गाना हो उसका चार लाइन आप सुना। हेलो, अभी ऐसे गाना ही सुनाने को जो अभी बिना एहसास में क्या गाना सुनाएंगे? जो आपका सबसे पसंदीदा हो क्या है वो भी? अभी तो गाना करूंगा ना, अभी गाना इसमें नहीं होगा। गाना अभी बात करो या तो गाना करो, दोनों चीज नहीं होगा। क्वेश्चन खत्म हो गया ना? चलिए चलो क्वेश्चन, और क्वेश्चन है मेरे को बताइए। नहीं ना, चलिए हम है ना, तो बदलाव ऐसा कुछ नहीं। नए लड़के जो आज भी नए लड़के हैं वो भी जो स्टेज शो कर रहे हैं या फिर रियलिटी शो में जा रहे हैं वो भी पुराने ही गाने लेके आ रहे हैं। तो आप बदलाव की बात कर रहे हैं, देखते हैं कि वो भी स्टेज पे जाते हैं या रियलिटी शोज में जाते हैं, तो अभी भी लता जी, रफी जी, मुकेश जी और उनके ही गाने लोग गाते हैं। मैं तो वही बताया ना कि इनको ये 5,000 साल और आए फिर भी चेंज नहीं होगा, यही चलेगा। हम भी मेरे ये आपने जॉली मुखर्जी दादा का इंटरव्यू देखा और तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।